श्रावण मास के प्रथम सोमवार को देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर के आमेर स्थित श्री रामेश्वर जी मंदिर में सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक किया। उन्होंने रुद्री पाठ के उच्चारण के बीच विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया और प्रदेश में समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की है। देवस्थान मंत्री ने कहा कि विभाग के अधीन शिवालयों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रुद्राभिषेक आयोजित किए जा रहे हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, इसलिए विभाग की ओर से भक्तों के लिए शिवालयों में पूजा अर्चना और विशेष श्रृंगार की व्यवस्था की गई है। आज सावन का पहला सोमवार है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री की भावनाएं सेवा ही परमो धर्म है, उसको साकार करने का काम किया, चाहे कामधेनु योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, ओल्ड पेंशन हो, RGHS हो, ये बहुत सारी योजनाएं ला करके, चाहे गायों का अनुदान राशि देने का काम हो, आज हम ये जो कर रहे हैं जल धारा शस्त्र धारा, सावन में महादेव की जल धारा करने का अलग ही एक महत्व माना गया है ग्रंथों में। सदा से ही सदाशिव महाराज शंकर भगवान एक आदिनाथ हैं, शंकर भगवान जैसे महाकाल में महाराज माना जाता है महादेव को, तो आदि काल से ही मानते आए हैं अपन, और आदिदेव महादेव की पूजा आज हमने जलधारा यहाँ रखी है। प्रदेश में सुख और शांति रहे, सौहार्दपूर्ण रहे।